नमस्कार, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की घेराबंदी करते हुए उनकी कार्य प्रणालियों के पर सवालिया निशाना खड़े कर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने मीडिया के सामने आकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चुनौती देते हुए कहा कि जो काम भाजपा सरकार 18 सालों में नहीं कर पाई है, वे काम उनके मात्र 5 माह के कार्यकाल में हुए हैं। महापौर जगत बहादुर अन्नू ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पार्षदों के विरोध प्रदर्शन को बेतुका बताते हुए दो टूक कहा है कि नेता प्रतिपक्ष गंभीरता से पद की गरिमा रखे, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, वे मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे जनता परेशान हो रही है। भाजपा पार्षदों के विरोध प्रदर्शन के कारण नगर निगम कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई है। अगर नेता प्रतिपक्ष और उनके पार्षद वास्तव में जनता का हित चाहते हैं तो आए कंधे से कंधा मिलकर विकास कार्य में योगदान दें। महापौर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी दौर में भाजपा के पार्षदों से जो कहा जा रहा है वे कर रहे हैं। जबलपुर नगर निगम में भाजपा ने 18 साल राज किया, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया गया है और 18 साल के हिसाब जनता के समक्ष रखते हम 5 माह का हिसाब पूरे सबूतों के साथ देंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। उन्होंने आज धरना दिया हुआ है और कई संदेह आरोप लगाए, क्या कहना है आपका इस पूरी बीजेपी की पॉलिटिक्स? पिछले 18 वर्षों में जबलपुर शहर में जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, वो हम लोगों ने 6 महीने में जबलपुर शहर में करके दिखाया है, जिसको लेकर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और बौखलाहट के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने धरना प्रदर्शन नगर निगम प्रांगण के अंदर किया, जो नहीं करना चाहिए था उनको। उनकी सारी मांगों को हर समय पूरा किया जाता है, उनके वार्ड की जो भी मांगे होती मैं व्यक्तिगत तौर पे जाता हूँ, वहाँ पर उनकी समस्याएं सुनता हूँ, उसका निराकरण करता हूँ। उन्होंने कहा कि माँ नर्मदा के लिए कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहली ये घोषणा की थी। मैं आपके सामने उनको पुनः बता दूं, मैंने गौरीघाट बुलाया था, वो वहाँ से वापस आ गए। ये वर्क ऑर्डर और ये सारी फाइलें यहाँ आपके सामने रखी हुई है, जो बड़े सीधे तौर पर ये बताती है कि हम लोग 17 करोड़ रुपए के टेंडर कर चुके हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। STP का प्लांट वहाँ लग रहा है और 17.5 करोड़ रुपए के टेंडर हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए, ये STP के प्लांट के जो टेंडर हो चुके हैं, ये वो काम है जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो सुनिश्चित करता है कि दीपावली के पहले माँ नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको उसकी सारी, ये मेरा पत्र है जो मैंने लिखा था, उसके अलावा कि ये पूरी नोटशीट है जिसमें मेरे द्वारा हस्ताक्षरित 5 से 6 STP प्लांट जो 9 नालों को, ये महापौर के दस्तखत है, देखिए 20/1/2023 को 1 STP हम लोगों ने 11वें महीने में किया था। ये सारे टेंडर हो चुके हैं और काम भी चालू हो चुका है। माँ नर्मदा में एक भी गंदे बूंद का पानी नहीं मिलेगा। आज सुबह भी हम लोगों ने स्वामी गिरीशानंद जी के साथ वहाँ पूरा निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने जो पानी की बात कही, जब हम लोग महापौर बने तो आज भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जबलपुर शहर में मात्र 1.5 लाख घरों में नर्मदा जल जाता है। इनके 18 वर्षों के शासन के बाद आज भी 1 लाख घरों में माँ नर्मदा का जल जाता ही नहीं है। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग उसमें वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग प्लांट को अपग्रेड कर रहे हैं, हम लोग टंकियों को ऑटोमेशन कर रहे हैं। 350 करोड़ की प्लानिंग बनाकर आने वाले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नए घरों को हम लोग पानी देंगे और जिन लोगों को जितना पानी मिलता है उससे ज़्यादा पानी आने वाले समय में मिलेगा। 30 से 40 हज़ार घरों को तो हम लोग अभी 6 माह के अंदर जोड़ रहे हैं। जल संकट ना हो उसके लिए हम लोग टैंकरों की व्यवस्था, बोरिंग नगर निगम से पहले नहीं होती थी, हम लोगों ने चालू की, टेंडर किया। 1 महीने के बाद हम लोग 95% पे महापौर हेल्पलाइन पे चलेंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र घर घर पहुंचाने का जबलपुर शहर पूरे देश का पहला शहर है और हम लोग आने वाले समय में इसका और अच्छे से हम लोग पॉलिथीन के अंदर बाकायदा जो हमारी जो यूज़ की जा सकती है वैसी पॉलिथीन में अंदर हम लोग डालकर और लोगों को वो पहुंचाएंगे। महापौर जी, इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, 4 महीने सिर्फ पॉलिटिकल विरोध है, ये पॉलिटिकल विरोध है, उनसे बोलिए। मैं एक एक पार्षद से, व्यक्तिगत रूप से, नेता प्रतिपक्ष से, अध्यक्ष जी से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो कहते हैं कि हमें लाइट नहीं दी, तो मेरे पास आंकड़े हैं, 118 लाइट तक
किसी पार्षद को अगर 35 भी मिली हमारे कांग्रेस के पार्षद साथी को 25 भी मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को एक पार्षद साथी को 118 लाइटें भी मिली हैं। उसकी पूरी रिकॉर्ड मेरे पास है, जहां जैसी ज़रूरत है वैसी पूर्ति की जा रही है। बौखलाहट है। सबसे प्रमुख बात विकास यात्रा, विकास यात्रा शासन की यात्रा थी। जब पहले दिन निकली तो मैं, माननीय विधायक लखन घनघोरिया जी, हम लोग एक साथ गए, माननीय विनय सक्सेना जी अपने क्षेत्र में गए, माननीय तरुण भनोट जी गए। जब हम लोगों ने देखा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मोनों के साथ उस यात्रा में घूम रहे हैं, जहां आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं वहां पर पूरा नगर निगम का अमला है, नगर निगम के स्वीकृत काम है और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाकर आप वहां पर भूमि पूजन जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, और 3 घंटे हम लोगों ने माननीय सांसद जी का वहां पर, मैंने और विधायक जी ने इंतजार किया, वे नहीं आए, तो उसके बाद से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो ये निकास यात्रा, फेयरवेल पार्टी है ये, वो फेयरवेल है, क्योंकि 2023 के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में राज नहीं करेगी। हम लोग सेवा करेंगे, वो सत्ता करते हैं, हम लोग सेवा में रहते हैं, हम लोग सेवा करेंगे। विकास यात्रा अगर शासन की होती, अगर सांसद जी सारे भूमि पूजन करते, विधायक जी करते, कलेक्टर कमिश्नर करते तो हम लोग को ठीक लगता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सारे भूमि पूजन किए, वो भूमि पूजन जो नगर निगम से स्वीकृत है, वो भूमि पूजन जिनका वर्क ऑर्डर और एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, वो भी भूमि पूजन उन्होंने कर दिए, तो ऐसे चीज़ों में हम लोग काम नहीं कर सकते। उन्होंने गार्डन की बात करी, मैं चाहूँगा मनीष पटेल जी आप गार्डन के बारे में आंकड़ा यहाँ पर सबको बताइए, जो हमारे सामने गार्डन का आंकड़ा है, मैं एक सेकंड लूँगा, आप मनीष जी की बात, हमारे प्रभारी हैं, उनकी बात गार्डन को लेकर सुनिए आप, मैं हर विभाग की आपको जानकारी दे सकता हूँ। 31 मार्च तक हम लोग लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य अधोसंरचना के लेकर हम लोग जबलपुर शहर में करने जा रहे हैं, और यही बौखलाहट है उनकी। गार्डन के मामले में